काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने बाकी सभी आरोपी सितारों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। जोधपुर पुलिस ने सलमान को हिरासत में लेकर जेल भेजने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोर्टरूम में बहस के दौरान सरकारी वकील ने सलमान के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। वहीं सलमान के वकील की अपील थी कि सलमान को कम से कम सजा दी जाए। जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने वर्ष 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दांव पर लगे हैं बॉलीवुड के 500 करोड़, सलमान खान के जेल जाते ही हिल जाएगी इंडस्ट्री। अदालत ने अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तबू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया है। बता दें कि 01/2 अक्टूबर 1998 को फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान पर जोधपुर के नजदीक कंकानी गांव सहित 3 अलग-अलग स्थानों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। लिव अपडेट्स। सलमान को सुनाई गई 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। सलमान की सजा पर कोर्ट में बहस पूरी, थोड़ी देर में सजा का ऐलान किया जा सकता है। सलमान खान की सजा पर कोर्ट में बहस जारी है। उन्हें कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष की सजा हो सकती है। सलमान के वकील ने जज से कम सजा देने की अपील की है। सलमान खान को दोषी करार, बाकी सभी 5 आरोपी बरी। सलमान खान पर 15 से 20 मिनट में फैसला आने की उम्मीद की रही है। जज देव कुमार खत्री कोर्ट में पहुंच चुके हैं, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। जज कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, अदालत की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सारे आरोपी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। काला हिरण शिकार मामले में सह आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू भी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। सलमान खान होटल से कोर्ट पहुंच चुके हैं, साथ ही सह आरोपी सैफ अली खान भी कोर्ट में मौजूद हैं। सलमान खान की दोनों बहनें कोर्ट पहुंची। बताया जा रहा है कि होटल से कोर्ट के लिए सलमान खान के लिए निकल चुके हैं। सलमान खान के वकील कोर्ट में मौजूद हैं।